वेलकम मेरे स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स आज हम सीखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, देखिए मैंने यहाँ पे दोनों टाइप्स के क्वेश्चन ले लिए हैं, जहाँ पर डिनोमिनेटर में एक बार सेम डिजिट है और एक बार आपकी क्या डिफरेंट डिजिट है। दोनों को हम बेहतरीन तरीके से एक ही बार में समझने की कोशिश करेंगे इनको कैसे करते हैं। ए वाला सोल्यूशन हम करेंगे, पहले एक बार हम क्वेश्चन को एज इट इज देखेंगे। 21/25 -16/25 एज इट इज़ क्वेश्चन को ऐसा ऐसा लिख लेंगे, 21/25 -16/25। स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर पहले चेक करना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, सेम है। एक कंडीशन ये बनती है हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। एक बार क्या कंडीशन बनेंगे, डिफरेंट होंगे। सेम डिनोमिनेटर बनेंगे तो आपको क्या करना है, एज इट इज़ दोनों जो 25 है उनको क्या कर देना है, वन टाइम ऐसे ऐसे एज इट इज़ लिख देना है। इसको बोलते हैं एलसीएम मेथड। कौन से मेथड बोलते हैं, एलसीएम मेथड से हमको सोल्व करते हैं, लेकिन दोनों नंबर सेम है तो एलसीएम आपका 25 ही आएगा। तो आपको करना क्या है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एज इट इज़ आपको क्या करना है, वन टाइम आपको डिनोमिनेटर लिख देना है। ऊपर के जो नंबर है 21 -16 दोनों को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 21 माइनस क्या कर देंगे, 16 कर देंगे। सो 21 -16 आपका कितना बच जाएगा, 5/5 में आपका क्या आंसर आएगा, 25। चलिए 5/25 होगा तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 5 5 5 25। तो आपका आंसर आया 1/5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये कब होगा, जब आपका डिनोमिनेटर सेम है। चलिए अब क्वेश्चन हम करेंगे बी वाला। बी वाला क्वेश्चन आपको एज इट इज उतारना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कंडीशन बनती है, यहाँ पर दोनों आपके डिनोमिनेटर क्या हो गए, अलग अलग हो चुके हैं। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनती है, आपको इन दोनों का लेना है एलसीएम। 12 और 36 का आप क्या कह लीजिए, एलसीएम लीजिए। जैसे एलसीएम हम लेते हैं वैसे आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एक कंडीशन तो ये है कि आप एलसीएम ले लीजिए। दूसरा क्या आपको चेक करना है, देखिए छोटा नंबर यहाँ पे 12 है, बड़ा नंबर क्या है, 36 है। क्या जो 12 है इसकी टेबल में 36 आता है कि आपको पता है, तो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि बिल्कुल यहाँ पर क्या 36 आता है, तो आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एलसीएम की जगह क्या आएगा, 36 आएगा। क्यों, क्योंकि जो 36 है वो 12 की टेबल में आता है। चलिए अब यहाँ पर ये गलती आप मत कर देना कि 5 -7 डायरेक्ट कर देंगे, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या था, अलग अलग था, तो हमने क्या बनाया, सेम बनाया 36। अगर मैंने डिनोमिनेटर 12 को क्या लिखा है, मैंने 36 से लिखा है, बात समझना। यहाँ पर 36 तो पहले से ही था, लेकिन इस 12 को मैंने क्या लिख दिया, 36 से लिख दिया है। क्यों, क्योंकि एलसीएम मेथड से हमने दोनों को क्या किया है, सेम बनाने की कोशिश की है। अगर आपका डिनोमिनेटर चेंज हुआ है तो आपका न्यूमरेटर भी चेंज होगा। तो चेंज करने का तरीका आपको क्या है, 36 में आपको क्या करना है, 12 का डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड। तो कितना आएगा, 3। जो 3 आया उसका आपको करना है इनटू किस में, न्यूमरेटर में 5। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 × 5। तो 5 को आप लिखेंगे 3 × 5 माइनस 36। ये तो यहाँ 36 है, ये पहले से, और यहाँ पे 36 आया तो आपको 7 का एज इट इज 7 लिख देना है। चेंज सिर्फ मैंने 12 वाले में किया, क्यों, क्योंकि 12 की जगह हमने क्या लिखा है, 36 एलसीएम लेके। पता होगा इसे आपको, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया एलसीएम कितना है, 36। फिर वही आपको पता होगा कि डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं एलसीएम को तो 3 आएगा, और न्यूमिनेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 5। ऐसे 36 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 1 का इंटू 7 में करेंगे तो 7। चलिए 3 × 5 कितना होगा आपका, 15 माइनस 7 का आपका क्या हो जाएगा, 7/36। 15 - 7 आप करेंगे कितना बचेगा, 8/36। चलिए कट कर देंगे, 4 से जाएगा, 4 2 8, 4 9 जाए कितना हो जाएगा, 36। आपका आंसर कितना है, 2/9 आपका राइट आंसर हो गया स्टूडेंट्स।